हेलो गाइज, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव विक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप आखिर देखते रहे। गाइज, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिजिटेक का जो ट्राइपॉड आता है 550LWDTR, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, ये है उसका जो बॉक्स है, इस तरीके का कुछ आता है। तो ये हम आज इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका खासियत क्या है, आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, आप अगर परचेस करते हो तो कितना प्राइस आपको मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहे। वीडियो को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप करोगे तो आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स मिस कर सकते हो। गाइज, इसको अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, उसके बाद ही इसको परचेस कर लेना। गाइज, इसका पूरा अनबॉक्सिंग तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। उससे पहले हमेशा कहते हैं दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं हूँ विक्रम और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विक्रम यूट्यूब चैनल। चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज, ये देख सकते हो हमारे पास जो है डिजिटेक का लाइट वेट डीवी ट्राइपॉड, जिसका मॉडल नंबर है DTR550LW। तो ये हमने सक्सेसफुली परचेस कर लिया है, जो कि हमारे जो पेमेंट आने के बाद हमने इस पर हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किए हैं। मतलब आपका अगर फास्ट पेमेंट आता है तो उसको आप अपने जो कुछ चीज़ों में लगाए, ना कि उसको बर्बाद कर दे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आप अभी जो ट्राइपॉड यूज़ मैं कर रहा हूँ वो एकदम से, मतलब आप ये जो मोबाइल जिसके साथ लगा हुआ है एकदम से कम प्राइस का है। मतलब ये जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था एक साल पहले 260 रुपये लिया था, वही मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इसका हाइट भी कम था, इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता था। तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा है, इसको मैं अभी आपको खोल के दिखाने वाला हूँ। इसका हाइट बहुत ही अच्छा है और इसका क्वालिटी भी, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको हाईलाइट्स यहाँ पे शो करवा देता हूँ। तो ये मैक्सिमम लोड ले सकता है 5 kg तक, मतलब एक कैमरा या फिर आप एक स्मार्टफोन, सब कुछ इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। और मैक्सिमम हाइट इसका कितना होता है आप देख सकते हो, 5.57 फीट तक इसका हाइट जाएगा। और फोल्डेड हाइट मतलब जब ये फोल्ड होके रहता है तब इसका हाइट कितना होता है, वो 615 मिलीमीटर, ओके 615 मिलीमीटर। और मैक्सिमम ट्यूब डिमीटर इसका, ये दोनों चीज़ मुझे नहीं पता है, मैं आपको बोल देता हूँ। और इसका वेट देख सकते हो 1.2 kg। ये सब हाईलाइट इसके ऊपर है। और इसका बॉक्स का कलर आप देख सकते हो, पहले हम कई कुछ दिन पहले जो हमने रिंग लाइट का अनबॉक्सिंग किया था, उस रिंग लाइट के भी पैकेट का कलर यही था जो डिजिटेक का ओरिजिनल ब्रांडिंग के साथ आता है, ठीक है। तो वो अनबॉक्सिंग अभी तक नहीं देखा तो वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब इस डब्बे को खोलते हैं और इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है वो सब कुछ आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इसको इस तरीके से ऐसे खोल देना है, ठीक है। ऐसे खोलने के बाद इसके ऊपर एक, तो गाइस देख सकते हो इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर चढ़ाया हुआ है, जो इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इनको पैकिंग करके दिया है। तो देख सकते हो ये पैकेट के अंदर इस तरीके का एक बैग आपको मिलेगा, इस तरीके का एक बैग जिसके अंदर एक चेन है। तो इस बैग को आप मतलब आसानी से इसको कैरी करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो है इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से खींच के इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है, इससे आप कहीं पे भी इसको ले जा सकते हो, कंधे पे ले जा सकते हो, बहुत कुछ आपको इससे आसानी होगा, ठीक है। तो इस बैग के अंदर हमारा जो ट्राइपॉड है इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से चेन को ओपन करना है और उसके अंदर भी एक प्लास्टिक से इसको पैकेज किया हुआ है। और हाथ में लेते ही गाइस फील बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये बैग को हम साइड में रखते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये जो इसके, ये प्लास्टिक को भी हम हटा देते हैं। गाइस देख सकते हो ये काफ़ी मतलब वेट है इसका, और हाथ में लेते ही ये ठंडा ठंडा मतलब बहुत ही प्रीमियम फील देता है। गाइस देख सकते हो इसके ऊपर डिजिटेक का ब्रांडिंग भी है, मतलब बहुत ही क्वालिटी अच्छा है इनका। और इसको मैं छोटा करके खोल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो इस तरीके से इसको बिठाना है। और इसके ऊपर आपको देख सकते हो यहाँ पे, इस जगह पे बहुत कुछ मिलता है। ये सब कुछ मैं आपको एक एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। और गाइज इसका प्राइस कितना पड़ा, ये प्राइस आपको मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो प्राइस है वो करीब 1200-1400 के अंदर आपको मिल जाएगा। कभी कभी प्राइस अप डाउन होता रहता है, ठीक है। तो ये जो मैं ट्राइपॉड में अपना जो फ़ोन लगा के रखा हूँ, ये पहला वाला ट्राइपॉड है। तो इसके बाद मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। और इसके साथ आपको देख सकते हो इस तरीके का एक पॉइंट आपको मिलता है, जो इसको ओपन करने के लिए ये जो लॉक होता है इसको खींचना होता है। और खींचने के बाद इस तरीके से ये निकल जाता है, ठीक है, बहुत ही ईजिली ये निकल जाता है। और इस पर आप अपना मोबाइल फ़ोन माउंटर एक खरीदना होगा, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस माउंटर को आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं अभी दिखाता हूँ किस तरीके से आपको माउंटर यूज़ करना है।
गाइस इस तरीके का कुछ एक माउंटर आपको खरीदना होगा, क्योंकि ये माउंटर इसके साथ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको खरीदने के बाद इसको आपको क्या करना होगा, इसके साथ इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको इसको प्रेस करके रखना है, और ये देख सकते हो ये एक स्प्रिंग टाइप है, इसमें आपको टाइट होगा, इस वजह से ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसको लगाने के लिए आपको इसको घुमाना, इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, और इस तरीके से घुमाने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आप नट देख सकते हो, एक नट मिलेगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको आपको कस देना है। इसको कस दोगे तो आपका जो मोबाइल माउंटर है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। ये देख सकते हो हमारा जो माउंटर है इसका इस तरीके से लग गया है। और लगने के बाद ये जो स्प्रिंग है इसको आपको हटाना है। हटाने के बाद इसको इस तरीके से बिठा देना है। बिठा देने के बाद ये हमारा जो ट्राइपॉड है वो रेडी हो चुका है। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो हमारा जो वाटर लेवल है, जिसमें हमारा जो स्टैंड है ये सही तरीके से बैठा है या फिर नहीं, इसी वाटर बल्ब से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद और भी बहुत कुछ है, मैं आपको खोल ओपन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको देख सकते हो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको एक पॉइंट पकड़ने के लिए मिल जाता है, इस तरीके से आप इजीली इसको पकड़ सकते हो। देख सकते हो इस तरीके से आप इसको पकड़ सकते हो। और इसका हाइट मैं आपको खोल कर दिखाने वाला हूँ, तो इसका हाइट को देखने के लिए आपको मेरा मोबाइल जो है मुझे हाथ में लेना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्लिप दिया हुआ है। ये जो क्लिप है बहुत ही मजबूत है, पैसे के हिसाब से ये जो क्लिप है बहुत ही बेहतर तरीके का है। तो ये बहुत ही लंबा जा रहा है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बात गाइज, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो एक हुक मिल जाता है इसके नीचे। अगर आप कहीं पे भी मतलब आउटडोर में कहीं पे भी कुछ शूट करने जा रहे हो, और आपका कैमरा इससे भी भारी है कि ये गिर जाएगा इसके ऊपर से, तो आप यहाँ पे एक जो यहाँ पे कुछ भारी चीज़ यहाँ पे आप यहाँ पे टांग सकते हो, जिससे कि आपका जो ये वेट है उसका उतना भी और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जो लॉक इसको आप टाइट भी कर सकते हो, इसको कुछ नहीं है, इस तरीके से इसको घुमाना है और ये टाइट हो जाएगा। तो गाइस इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इसको बड़ा करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो नॉब है इसको नॉब को आपको खोलना है, एक एक करके नॉब को खोलना है और ये बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसको बड़ा करके आपको बताता हूँ। गाइस ये जो आप ट्राइपॉड देख रहे हो, ये वाला हमने पहले ख़रीदा था, 260 रुपये लिया था। अगर आप लोग एक बिगिनर हो, अगर आप अभी YouTube स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको इतना भारी इतना प्राइस खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इस तरीके का भी जो ट्राइपॉड है उसको आप खरीद सकते हो, और इजीली आप काम चलाओ कर सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत ही मतलब काम मेरा आया है। इसका हाइट थोड़ा सा छोटा है, आप देख सकते हो बहुत ही छोटा है इसके मुकाबले। ये जितना बड़ा है इसके मुकाबले इसका जो हाइट है वो बहुत ही छोटा है। तो इसका हाइट और भी बढ़ेगा, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसको हम साइड में रखते हैं। अगर आपका ये परचेस करना है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। बाकी इस डिजिटेक का भी मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो उसको भी चेकआउट एक बार कर सकते हो। बाकी यह प्राइस हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका लेग दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो इसका लेग कितना बड़ा है, ठीक है। ये मेरा हाइट तक एकदम फेस तक आ जा रहा है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना होगा, ये देख सकते हो ये जो चीज़ है, इस हैंडल को आप इस तरीके से अगर यहाँ पे घुमाओगे तो ये एकदम से 360 डिग्री आप इसको घुमा सकते हो, ठीक है। 360 डिग्री तक आप इसको लूज़ कर सकते हो, और टाइट कर दोगे तो ये नहीं घूमेगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको यूज़ करना है। और पोर्ट्रेट शॉट अगर लेना चाहते हो तो इस एंगल को आपको ढीला करना होगा। इससे क्या होगा, ये जो ऑप्शन ऊपर का ऑप्शन है ये निकल जाएगा, इसको आपको ढीला करना है। इस तरीके से ढीला करोगे और ये इस तरीके से आप अपना जो अगर इंस्टाग्राम रील वगैरह बनाते हो तो इस तरीके से आप इसको बना भी सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो, और मैं आपको मोबाइल लगा के नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक ही मोबाइल है और इसमें ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके। तो इसको इस तरीके से आप बिठा भी सकते हो, ओके। तो होने के बाद इसको टाइट कर देते हैं। और एक चीज़ इसके ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और साइड ये जो साइड में आपको एक नॉब मिलता है, इसको अगर आप ढीला करते हो तो आपका जो ये एंगल है ये पूरा इस तरीके से घूम जाएगा, ओके। इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और इसका हाइट और भी ज़्यादा होगा, और उसको मैं आपको मैं बताना चाहूँगा, दिखाता हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो ये एकदम मेरे फेस के सामने है, इस हाइट में मेरा चल जाता है। इस हाइट में मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ तो और आसानी से चल जाएगा। इसके सिवा भी आप दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपको और भी हाइट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको इसको घुमाना है। इस तरीके से अगर घुमाओगे तो इसका हाइट और भी बढ़ेगा। ये जो यहाँ पे एंगल आपको मिलता है इसको देख के आप इसको घुमा सकते हो,
और ये देख सकते हो बहुत ही हाइट हो रहा है। तो मैं इसको घुमा के एकदम से बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो बहुत ही ऊपर तक जा रहा है और ये जाके यहाँ पे अटक गया। अटकने के बाद यहाँ पे आपको इसको टाइट कर देना है। आपके हेड के अलावा मतलब आपके साइज के मुताबिक आप इसको चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने के बाद इसको यहाँ पे टाइट कर देना साइड से, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस तरीके से यहाँ से जाके इसका हाइट कितना गया। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा छत है घर का, तो यहाँ पे दरवाजे के ऊपर तक चला गया और इस दरवाजे का हाइट है 7 फुट। ओके, 7 फुट का जो दरवाज़ा है तो 7 फुट से थोड़ा बहुत कम है, तो 6 फुट से ज़्यादा है, ठीक है। इसका हाइट इतना हाइट आपको नहीं चाहिए होता है। अगर आप कैमरा से फोटोग्राफी करते हो तो इससे आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको छोटा भी कर सकते हो। गाइज, ये ट्राइपॉड अगर आपको पसंद आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप जाके उसको चेकआउट भी कर सकते हो और वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हो। तो ये था एक डिजिटेक का जो मेरा मैंने लिया है, परचेज़ किया है, और वो खुद के पैसे से परचेज़ किया है यूट्यूब मनी से, जो कि कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट मेरा यूट्यूब पेमेंट आया है। उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें एक गिव अवे का भी मैंने अलाउंस किया है, तो छोटा सा गिव अवे है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के आई बटन में मैं दे दूंगा, वो वीडियो देख सकते हो उसको, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हो ये बहुत ही मतलब क्वालिटी आपको इसमें मिलता है, तो इसको आप एक बार ले लिए तो आपको और सेकेंड टाइम आपको परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। इसको यूज़ करके आप अपना जो मोबाइल या फिर DSLR कुछ भी यूज़ करते हो तो उसका जो फोटोग्राफी लेवल है वो और भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी नॉलेज लगा तो वीडियो को कीजिए एक लाइक। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और कमेंट में बताना इसका आप लोग अगर इसको परचेस कर रहे हो या फिर नहीं, कमेंट में आपको मुझे जरूर बताना। और परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। इसमें मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा, मतलब आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है। तो मैं भी मिलता हूँ आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहेगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर।